विंध्याचल पहुंचे भोजपुरी फिल्म अभिनेता व बीजेपी सांसद रवि किशन ने सपा और बसपा द्वारा खेले जा रहे ब्रहार कार्ड पर दोनों पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि ब्रहार देशभक्त होता है, वह पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ हैं। रवि किशन ने अखिलेश यादव और मायावती पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लालची बिरादरी नहीं है। मायावती जी, अखिलेश जी, लालच का झुंझुना पंडितों को आप ना दें। विंध्याचल में माँ विंध्यवासी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुँचे भोजपुरी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता व गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने माँ विंध्यवासी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बसपा और सपा द्वारा ब्रहार मतों के लिए ब्रहार कार्ड खेलने पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में 13% ब्रहार वोट हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में ब्रहार अहम भूमिका रखता है, राज्य केंद्र की सरकार बनाने में अहम भूमिका है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं हर जिले में परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। मायावती जी, सतीश मिश्रा बोल रहे हैं ब्रहारों के साथ अत्याचार हो रहा है, कौन ब्रहार समाज आपके पास आ रहा है और बोला है अत्याचार हो रहा है। ब्रहार निस्वार्थ होता है, त्यागी होता है, राष्ट्रभक्त विकास में यकीन रखता है, फटी धोती जेनुए में जीवन निकाल देता है, ये लालची बिरादरी नहीं। मायावती, अखिलेश जी, लालच का झुंझुना पंडितों को आप ना दें। रवि किशन ने सवाल करते हुए पूछा कि मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी जी से ब्रहाड़ों के लिए आप लोगों ने क्या किया, जब आप लोगों की सरकार थी 70 साल से आप लोगों ने ब्रहाड़ों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी, ब्रहार बच्चों के लिए क्या क्या अचानक आप लोगों को ब्रहार पड़े हैं। देखा, पहले तो हम सबसे पहले सर्वप्रथम समस्त उत्तर प्रदेश देश के, ये सावन का पावन महीना है तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव कहूँगा। अभी विंध्याचल आए हैं माई विंध्याचल का दर्शन करने। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सुबह हम गए थे ब्रह्म मुहूर्त में बनारस, तो जो कॉरिडोर और वहाँ की व्यवस्था जो की है प्रधानमंत्री ने, एक सांसद के रूप में, एक प्रधानमंत्री जी के रूप में और पूज्य योगी महाराज के पूरे निरीक्षण में हुआ है, मैं उसको बताऊं इतना अद्भुत है। और वही कॉरिडोर अब यहाँ पर माँ विंध्याचल माई के यहाँ पर हुआ है। समस्त करोड़ों करोड़ों लाखों जन जो माँ विंध्याचल माई में अपना विश्वास रखते हैं, अटूट जो महादेव में विश्वास रखते हैं, आजीवन आपके ऋणी रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी। आप लोगों ने, आपकी सरकार, भाजपा सरकार, हमारी सरकार, मेरी सरकार, मैं गोरखपुर का सांसद रवि किशन शुक्ला आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और रही बात आपने बसपा सपा और कांग्रेस की, जो ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ बहन मायावती जी से, अखिलेश यादव जी से, राहुल गांधी जी से, कि ब्राह्मणों के लिए आप लोगों ने क्या किया। एक मिनट, जब आप लोगों की सरकार थी 70 साल थी, आप लोगों ने ब्राह्मणों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी, ब्राह्मण बच्चों के लिए क्या किया। अचानक आप लोगों को ब्राह्मण प्रेम, क्योंकि 13% वोट है और बहुत शक्तिशाली वोट है, ये है उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण बहुत बड़ी अहम भूमिका रखता है, राज्य की सरकार बनाने में भी, केंद्र की सरकार बनाने में। आप लोगों ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, अभी देख रहे हैं कि कल अखिलेश यादव जी परशुराम जी की मूर्ति बनाने का बोल रहे हैं कि हर जिले में बनाएंगे, बहन मायावती जी और उनके मिश्रा जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ, मतलब ब्राह्मणों के पर अत्याचार हो रहा है। कौन ब्राह्मण समाज आप लोगों के पास आया और आपको कहा कि आप लोगों के साथ अत्याचार है? पहली बात तो आप लोग जान लें ब्राह्मण होता क्या है। ब्राह्मण होता है निस्वार्थ, ब्राह्मण होता है त्यागी, ब्राह्मण होता है राष्ट्रभक्त, ब्राह्मण विकास में यकीन रखता है, ब्राह्मण अपनी फटी हुई धोती और एक जनेऊ में जीवन निकाल सकता है अगर देश का भला हो रहा है, तो वो है ब्राह्मणत्व, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण ज्ञान देता है, ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करता है। ये लालची बिरादरी नहीं है ब्राह्मण, कि आप मायावती जी या अखिलेश जी
लालच का झुंझुना पंडितों को आप ना दें। हाथ जोड़ करके मैं रवि किशन शुक्ला आप लोगों से निवेदन करता हूं, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, हम लोगों को देश के विकास में रहने दीजिए। हम लोगों को पूरा यकीन है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, पूज्य योगी महाराज जी पर। ब्राह्मण उन लोगों के साथ है, साथ रहेगा, क्योंकि राष्ट्र के साथ जो भी सरकार रही या राष्ट्र का भला सोची उसके साथ ब्राह्मण रहेगा। तो आज आप लोग अपनी गलतफहमियों को दूर रख दें कि सीट की लालच या किसी प्रकार की लालच आप ब्राह्मण को ना दें। हर हर महादेव। बोला विंध्याचल माई की जय।